Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about various diseases of wheat like powdery mildew, Alternaria blight and ear cockle. Powdery mildew of wheat. Powdery mildew of wheat is caused by Blumeria graminis. Earlier, it was known as इरीसिफी ग्रेमिनिश, but there is a difference between ब्लूमेरिया and इरीसिफी. अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें अगर दोनों दिया हुआ है तो ये वाला आंसर ज़्यादा राइट है और ये रॉन्ग होगा. लेकिन अगर आप थ्योरी में लिख रहे हैं और ये नाम आपको याद नहीं है तो आप इरीसिफी भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्लूमेरिया ग्रेमिनिश ये ज़्यादा सही होगा. Coming to the symptom, white powdery specks appears on the lower lips. Later, it is spread on the upper lips, stems and spikelets, and also in the awns. Leaf area covered by white powder, which is aggregation of mycelium conidiophore and conidia of the pathogens. Later, pathogen cause necrosis in the leaves, which cause the early defoliation. In the infected plants, the size of the grains are reduced and yield is also reduced. So जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू का जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा इजी है याद करने के लिए. इसमें पहले वाइट कलर के स्पेक्स बनते हैं या स्पॉट्स बनते हैं और ये अपर सरफेस में बनते हैं, बाद में ये लोअर सरफेस में भी बनते हैं और ऐसे स्पॉट्स बहुत सारे आते हैं, आपस में मिलने लगते हैं और ये पूरा लीफ का जो एरिया है उसे कवर कर लेते हैं. बाद में ऐसे टिश्यूज़ में नेक्रोसिस होती है, मतलब यहाँ के जो सेल हैं वो मरने लगते हैं और ये जो पत्तियाँ हैं वो समय से पहले गिर जाती हैं. ऐसे ही टाइप के पाउडरी स्पेक्स ऑन्स में भी आते हैं, स्पाइकलेट में भी आते हैं और स्टेम्स में भी आते हैं. और जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है तो ऐसे में जो ग्रेन है उनका साइज़ कम हो जाता है और यील्ड कम हो जाता है. अब देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंगस. इट बिलोंग टू सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना एंड द माइसिलियम ऑफ द फंगस इज सेप्टेड, ब्रांच्ड एंड सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन द होस्ट. इट टूक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बाय होस्टोरिया. इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ये होस्ट के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है. ये फंगस होस्ट के सेल में इंटर नहीं करते हैं और ये न्यूट्रिशन लेने के लिए होस्टोरिया बनाते हैं और होस्टोरिया के द्वारा ये पौधे से न्यूट्रिशन गेन करते हैं. एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया एंड कोनिडिया आर फॉर्म इन द चेन ऑन कोनिडियोफोर. कोनिडिया आर बैरल इन शेप, हाइलाइन एंड सिंगल सेल्ड. कोनिडियोफोर्स आर सिंपल, अनब्रांच्ड एंड नॉन सेप्टेट. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि ये प्लांट का सरफेस है तो इसके ऊपर में ये जो माइसिलियम है वो प्रेजेंट है. ये माइसिलियम प्लांट के सेल के अंदर नहीं जाते हैं बल्कि ये होस्टोरिया बनाते हैं और इस होस्टोरिया के द्वारा प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं. और ये हो गया इसका कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर में ये कोनिडिया हैं और ये कोनिडिया हमेशा चैन में बनते हैं. ये है इसके कोनिडिया. जो पाउडरी मिल्ड्यू के कोनिडिया होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें 70% वाटर प्रेजेंट होता है. यह है इसका क्लिस्टोथीसिया. क्लिस्टोथीसिया के अंदर में एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं और इस क्लिस्टोथीसिया में एक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंपल है. इसे माइसेलोइड अपेंडेजेस कहते हैं. एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं. अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में. पैथोजन सर्वाइव इन द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस इन द फॉर्म ऑफ क्लिस्टोथीसिया. फिर क्लिस्टोथीसिया रप्चर होता है और एस्कोस्पोर बाहर आते हैं. फिर ये एस्कोस्पोर लोअर लिप में इन्फेक्शन करते हैं और सिम्टम हमें दिखाई देता है. इसे डिजीज साइकिल के रूप में समझते हैं. पैथोजन सर्वाइव इन द क्रॉप डेब्रिस एज क्लिस्टोथीसिया. क्लिस्टोथीसिया से एस्कोस्पोर बाहर आता है. एस्कोस्पोर लीफ में इन्फेक्शन करता है. इन्फेक्शन के बाद सिम्टम दिखाई देता है. सिम्टम के बाद ये जो कोनिडिया बनाते हैं, कोनिडिया हमेशा चैन में बनते हैं और ये कोनिडिया विंड्स के द्वारा दूसरे प्लांट्स के लीफ में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। बाद में जब क्रॉप ख़त्म होता है उस समय ये जो पैथोजन है वो क्लिस्टोथीसिया बनाता है और क्लिस्टोथीसिया के अंदर में ये एस्कस और एस्कोस्पोर होते हैं और ये सर्वाइव करते रहता है। फिर ये अगले सीजन में एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करेगा। तो ये हो गया इसका डिजीज साइकिल। अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में। टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राई वेदर, रेन डैमेज द कोनिडियोफोर। सो ये जो ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस है इसके लिए 20 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए और इसके लिए ड्राई वेदर चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में वाटर होगा या फिर रेन आता है तो ये पैथोजन के लिए हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़। फॉर एनी डिजीज़ वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट। हमें एक ही खेत में एक ही क्रॉप बार बार नहीं लेना चाहिए। समर डीप प्लोइंग। समर के महीने में हमें डीप प्लोइंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो पैथोजन सॉइल में प्रेजेंट है वो ऊपर आते हैं और सन के कांटेक्ट में आते हैं और सन की गर्मी से ये मर जाते हैं। ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक HD2074। तो ये जो वेराइटी है वो पॉडी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है। हमें ऐसी वेराइटीज़ को ग्रो करना चाहिए। स्प्रे सल्फेक्स आर बेवेस्टिन आर कैराथेन आर इथिरीमोल। अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो हम इस केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। अर्ली वेराइटीज़ एंड अर्ली सोइंग रिड्यूस द डिजीज़ सीवियरिटी। हमें ऐसे वेराइटी को चूज़ करना चाहिए जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो और हमें हमेशा जो सोइंग है वो अर्ली करना चाहिए। अक्टूबर के महीने में हमें सोइंग कर ही देना चाहिए। अगर हम लेट में सोइंग करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑलवेज ग्रो डिजीज़ फ्री एंड सर्टिफाइड सीड। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रीज टू रिड्यूस द प्राइमरी इनोकुलम। हमें पिछले सीजन के जो क्रॉप बचे हुए हैं खेत में उसे जला देना चाहिए। अब हम देखते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक फंगस से होता है जिसका नाम है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। सिम्टम डिजीज अपीयर्स व्हेन व्हीट प्लांट्स आर 7 to 8 वीक ओल्ड and become severe when the crop is mature. So ये जो अल्टरनेरिया है ये लो शुगर पैथोजन है, इसीलिए जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है उस समय ज़्यादा आता है। इन्फेक्शन इज फर्स्ट इविडेंट एज स्मॉल ओवल डिसकलर्ड लीजन्स इरेगुलरली स्कैटर्ड ऑन द लीव्स। सो जो पहले सिम्टम आते हैं वो लीव्स में आते हैं और छोटे और ओवल शेप के ग्रे या ब्राउन कलर के स्पॉट्स लीफ में बनते हैं और ये लीव्स में फैले हुए रहते हैं। एज द लीजन इन लार्ज दे बिकम डार्क ब्राउन टू ग्रे एंड इरेगुलर इन शेप। बाद में इनका साइज बढ़ता है और ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, लेकिन इनका जो शेप है वो इरेगुलर रहता है। सम आर सराउंडेड बाई अ ब्राइट येलो मार्जिन। जैसे ये लीफ है, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के चारों तरफ का जो कोशिका है वो पीला पड़ जाता है और येलो येलो बन जाता है। द लीजन्स वेरी इन साइज रीचिंग द डायमीटर अप टू 1 centimeter। एज द लीजन प्रोग्रेस सेवरल लीजन्स कोलेज टू ईच अदर एंड कवर द लार्जर एरिया रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द इंटायर लीफ। बाद में इनका साइज और बढ़ेगा। ऐसी स्पॉट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और जो पत्तियां हैं वो समय से पहले मर जाती है। द लोअर मोस्ट लीव्स आर फर्स्ट टू शो द साइन ऑफ द इन्फेक्शन। द फंगस ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अपर लीव्स। सो जो पहला डिजीज़ है वो नीचे की पत्तियों में पहले आता है, बाद में ये ऊपर की पत्तियों में ट्रांसफ़र होता है। इन सीवियर केस सिमिलर सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लीफ सीथ एंड स्टेम्स एज वेल एज ऑन ऑन्स एंड ग्लूम्स। सो ये सभी जो फोलियर पार्ट्स हैं उसमें आते हैं, जैसे कि लीफ सीथ, स्टेम, ऑन्स एंड ग्लूम्स। इफ़ द स्पाइक्स आर इन्फेक्टेड अर्ली देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द सीड। अगर इन्फेक्शन जल्दी आता है तो पौधा मर जाता है, जिसके कारण से इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन लेट में आता है, सीड बन चुका है, उस केस में ग्लूम्स में, ईयर्स में और सीड्स में इन्फेक्शन होता है। यह है इसके सिम्टम्स। ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स हैं, सबका साइज़ अलग अलग है। और ये सीड में भी इन्फेक्शन करते हैं, ये जो सीड का कुछ पोर्शन है वो इन्फेक्टेड है। बाद में ये ईयर्स में भी इन्फेक्शन करते हैं और ये ईयर्स के ऊपर में पूरा ये फंगस का ग्रोथ हो जाता है। अब देखते हैं अल्टरनेरिया की इटियोलॉजी। द फंगस बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेरोमाइकोटिना। इट हैज़ सेप्टेट ब्रांच्ड एंड डार्क माइसिलियम। इट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया which is muriform and dark in color, and these conidia are formed in chain. Conidiophores are short, dark colored, simple and septate. So इसके जो mycelium होते हैं वो septate होते हैं, branched होते हैं और dark color के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके cell wall में एक chemical का secretion होता है जिसे melanin कहते हैं। इसका जो कोनिडिया होता है वो म्यूरीफॉर्म शेप का होता है, मतलब कि उसका जो बेस वाला पोर्शन है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है और टिप का जो थिकनेस है वो कम होता है। और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चैन में होता है। इनकी जो कॉलोनी होती है वो ब्लैक कलर की होती है और इसमें भी ये कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये सेंटर है और ये रिंग्स हैं तो अल्टरनेट ऐसे रिंग्स बनते हैं। अब देखते हैं डिजीज साइकिल। पैथोजन सर्वाइव इन द क्रॉप डेब्रिस एंड ऑन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ कोनिडिया। सो ये कोनिडिया सर्वाइव करते रहते हैं, फिर ये लीफ में, ईयर्स में, स्टेम्स में, ग्लूम्स में, सब में इन्फेक्शन करते हैं। फिर ये पैथोजन प्लांट्स में ग्रो करते हैं, हमें सिम्टम दिखाई देता है, फिर से ये कोनिडिया बनाते हैं और ये कोनिडिया हवा के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं। इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। फिर जब ये क्रॉप ख़त्म हो जाएगा उस कंडीशन में ये कोनिडिया क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन: टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंटरमिटेंट रेन। अगर ईयर फॉर्मेशन के समय या ईयर के इमरजेंस के समय रेन होता है उस समय यह डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती है। और एक है क्लाउडी वेदर्स, क्लाउडी वेदर्स में भी यह डिजीज़ ज़्यादा आती है। मैनेजमेंट: इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, समर डीप प्लोइंग, क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर, यूज़ ऑफ ट्राइकोडर्मा, यूज़ ऑफ क्लीन सीड्स, वी शुड यूज़ ओनली सर्टिफाइड सीड्स, ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स विथ केमिकल्स लाइक थायरम या कार्बेंडाजिम, टू स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मेन्कोजेब एट 15 डेज इंटरवल। अब देखते हैं ईयर कॉकल ऑफ वीट। The disease is caused by a nematode Angina tritisi. अब देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में। The symptoms appears on leaves, stem, floral organs and grains. The nematode cause twisting and crinkling of the leaves. The affected plant look dwarf. Infected heads are shorter, broader and remain green for longer period of time. Formation of gall on the awns and glooms. Seeds are replaced with hard, dark brown or black cockles, also called galls. And these cockles remains filled with nematode larvae. So ये जो disease है वो nematode के कारण होती है। Nematode जब leaves में infection करता है तो इसके कारण से लीफ में ट्विस्टिंग और कर्लिंग हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लीफ है वो मुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जब इसका इन्फेक्शन ईयर्स में होता है उस समय भी ये जो ऑन्स होते हैं उसमें कर्लिंग होती है और यहाँ पर भी गाल बनते हैं। यहाँ का जो सेल है वो फूल जाता है और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उस समय ईयर्स में सीड नहीं बनता है और उसके बदले सीड गाल बनते हैं। और इस सीड के अंदर में बहुत सारे निमेटोड के एग्स और लार्वी प्रेजेंट होते हैं। इसी को सीड गाल या सीड कॉकल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी। एनग्यूनिया टिटिसी एक निमेटोड है जो कि किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। जो मेल होता है वो 3 to 5 mm लेंथ का होता है और जो फीमेल होता है वो 2 से 2.5 mm लॉन्ग होता है। बट ये जो फीमेल है उसका थिकनेस मेल से ज़्यादा होता है। द निमेटोड डेवलप लार्वीज शोज 4 डिस्टिंक्ट स्टेज। जो इसका लार्वल स्टेज होता है उसे जुवेनाइल स्टेज कहते हैं और ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। J1, फिर J2, J3 और J4। जुवेनाइल 1, 2, 3 and 4। उसके बाद यहाँ से फिर मेल और फीमेल बनते हैं और फिर से ये एक बनाते हैं और एक से ये जुवेनाइल डेवलप होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज लार्वी डेवलप्स इनसाइड द एग। ये जो जुवेनाइल 1 होता है ये एग के अंदर ही डेवलप होता है। नेमेटोड कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यह है इसका एग। एग के अंदर में ही J1 डेवलप होता है, फिर J1 डेवलप होके J2 बनाता है और ये जो J2 है मतलब जुवेनाइल 2 ये बाहर निकलता है और ये प्लांट्स में ऊपर क्लाइम करता है। ये रेंगते रेंगते ऊपर पहुंचता है और फिर वहाँ पर लीफ में इन्फेक्शन करता है। वहाँ पर ये J3 और J4 बनाता है और J4 डेवलप होके फिर मेल और फीमेल बनाते हैं। कुछ जो J4 होते हैं वो मेल बनाते हैं और कुछ फीमेल बनाते हैं। इन दोनों के बीच में मैटिंग होता है और एक डेवलप होता है। फिर से ये साइकिल चलते रहता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ निमेटोड। अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। पैथोजन क्रॉप डेब्रिस में और सीड्स में सर्वाइव करते रहता है। फिर सीड्स के अंदर में J1 डेवलप होता है, J2 बाहर आता है, पौधे के ऊपर चढ़ता है और फिर ये J2 इन्फेक्शन करता है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्शन कौन करता है तो उसका आंसर है J2। फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है। अब ये J2 प्लांट के अंदर चला जाता है, वहाँ पर J3 और J4 बनाता है। J4 के बाद एडल्ट बनते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उनके बीच में मैटिंग होता है और फिर ये एग बनाते हैं। ये एग सर्वाइव करते रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में। ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है। सो 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन द लीफ, इन सब कंडीशन में डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है। अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। नेमेटोड के मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट फॉर 1 to 2 year। वी शुड सेलेक्ट ओनली सर्टिफाइड डिजीज फ्री सीड्स और सीड का पहले ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इसे यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए 2 मेथड हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड। इसमें सीविंग करते हैं, मतलब कि सीड्स को पहले सीव करना है, जिससे क्या होगा जो भी छोटे ग्रेन्स होंगे या फिर एग्स होंगे वो हमारे सीड से अलग हो जाएंगे। उसके बाद ही हमें सोइंग करना चाहिए। दूसरा मेथड है फ्लोटिंग ऑफ सीड्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पहले 20% सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके बाद बीकर में 20% सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करना चाहिए। फिर इस सॉल्यूशन में सीड्स को डालना चाहिए। जब हम 20% सॉल्यूशन में सीड्स को डालेंगे तो जो भी इन्फेक्टेड सीड होंगे, जिनका वेट कम है, जिनका डेंसिटी कम है, वो ऊपर में फ्लोट करते रहेंगे और जो हेल्दी सीड्स रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हमें ऊपर के जो अनहेल्दी सीड्स हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद इस हेल्दी सीड्स को लेना है और फिर धूप में सुखा देना है। धूप में सुखाने के बाद हम इसे सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। जो सोइंग के लिए सीड्स हम लाएंगे उसे पहले 2 घंटे के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में डुबा कर रखना है। ऐसा करने से जो भी उसमें निमेटोड प्रेजेंट हैं वो मर जाएंगे। We should use resistant variety like NP90, S227. We can also spray nematicides like Nemephos, LDCar or Vellum Prime in soil. So, ये जो केमिकल्स होते हैं वो निमेटोड के डेवलपमेंट को रोकते हैं और इस प्रकार से हम निमेटोड का मैनेजमेंट कर सकते हैं. Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.